सोशल मीडिया पर यह वीडियो बागपत का बताते हुए काफी शेयर किया गया। यूजर्स का कहना है कि बागपत के थाना सिघावली क्षेत्र के अमीन नगर सराय में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे युवकों को पुलिस के हवाले किया गया। 112 पे फोन करो, झंडा दिखाएंगे, मेरी वीडियो बनवा के झंडा लहरा रहे हैं, दिखा भाई, ऐसे ही क्लेम के साथ कई यूजर्स ने ये क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की। ऑल्ट न्यूज को इस मामले में तहकीकात करने पर 17 सितंबर का अमर उजाला का ये आर्टिकल मिला। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मेरठ बागपत नेशनल हाईवे पर पाकिस्तानी झंडा लहराने के शक में कुछ लोगों ने वर्ग विशेष के दो लड़कों की पिटाई की थी। हालांकि बाद में पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि ये झंडे धार्मिक झंडे थे। पूरा मामला कुछ यूँ था कि गौसपुर गांव के अरबाज और आमिर कथित रूप से नारे लगाते हुए मेरठ बागपत नेशनल हाईवे से जा रहे थे और उनकी बाइक में हरे रंग का झंडा था। आसपास खड़े हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस बात पर रोका कि उनकी बाइक पर पाकिस्तानी झंडा है। हालांकि बाद में पुलिस ने झंडे को लेकर जांच की और पाया कि ये धार्मिक झंडे थे और बाद में इन दोनों लड़कों को छोड़ दिया गया। इस मामले में ये YouTube वीडियो रिपोर्ट भी है। मेरठ बागपत नेशनल हाईवे पर पाकिस्तानी झंडा लहराने के शक में कुछ लोगों ने वर्ग विशेष के दो युवकों को पकड़कर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की जांच में दोनों झंडे धार्मिक निकले और दोनों को छोड़ दिया गया। गौसपुर गांव का रहने वाला अरबाज और आमिर सोमवार सुबह बाइक पर हरे रंग के झंडे लहराकर नारे लगाते हुए मेरठ बागपत नेशनल हाईवे पर सराय मोड़ से गुजरे। तभी आसपास खड़े हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाइक पर पाकिस्तानी झंडा लहराने का शक होने पर पीछा किया। इन्हें सिंघावली अहीर पुलिया के पास पकड़कर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। तभी आसपास के दुकानदारों ने दोनों युवकों को बचाया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। इसके बाद वर्ग विशेष के धर्मगुरुओं को बुलाकर झंडा दिखाया, जिन्होंने हरे रंग के झंडे को धार्मिक बताया। वहीं बागपत पुलिस ने इस घटना को लेकर ये बातें स्पष्ट की है, यानी बागपत में बाइक से जा रहे दो लड़कों के पास पाकिस्तानी नहीं बल्कि धार्मिक झंडा था।